चलो दोस्तों, आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चाल, दूरी और समय का क्वेश्चन। बहुत लोगों को इसमें दिक्कत होता है समय निकालना, दूरी निकालना और चाल निकालना। तो आज आप लोगों को मैं एकदम बेसिक तरीके से समझाऊंगा और बताऊंगा एक एक सूत्र के बारे में। पहले मैं सूत्र समझाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा, उसके बाद उस पर मैं क्वेश्चन आपको लगाकर दिखाऊंगा। तो आप लोग कृपया ध्यान से देखिए और समझिए। हर एक क्वेश्चन का मैं आपको पहले सूत्र बता दूंगा कैसे यूज होता है, उसके बाद मैं क्वेश्चन को हल करूंगा। तो शुरू कर रहे हैं। आपके पहला है कि सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। इसका मतलब होता है चाल का मीटर प्रति सेकंड, और इसी से बनता है हमारा एक सूत्र। इसी से चाल समय को अगर इधर भेज दें और चाल को नीचे भेज दें तो हमारा सूत्र बन जाएगा समय बराबर दूरी, ये नीचे आएगा तो बटे में चाल जाएगा। एक सूत्र ही बन गया, एक सूत्र बनता है। अगर हम इसका गुणा कर दें दोनों का आपस में तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर होगा चाल गुणे समय। ये हमारा तीन सूत्र है। समय बराबर मात्रक होता है सेकंड में और दूरी का मात्रक होता है मीटर। ये हमारा है तीनों सूत्र। अब इस तीनों सूत्र पे मैं एक क्वेश्चन हल करके दिखाऊंगा आपको और बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है कि पहले मैं क्वेश्चन को लिख लेता हूं। पहला क्वेश्चन है एक गाड़ी 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है, तो उसका चाल ज्ञात करिए। तो देखिए दोस्तों, एक गाड़ी है जो उसका स्पीड 4 सेकंड में 20 मीटर दूरी तय करती है, तो वह किस चाल से चल रही है, उसका चाल निकालना है। तो चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारा क्या है, 20 मीटर है और समय कितना दिया है 4 सेकंड। 4 सेकंड यानी 4 बचे 20, चाल हमारा आ गया 5 मीटर पर सेकंड। ये था पहला क्वेश्चन जो पहले सूत्र पे लगा है। इसी तरह दूसरे सूत्र पे हम निकालेंगे समय। तो मिटाते हैं दोस्तों, दूसरा वाला सवाल देखते हैं। दूसरे में निकालना है समय। मान लेते हैं एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 80 मीटर दूरी तय की, तो उसको कितना समय लगा। क्वेश्चन है एक गाड़ी है जो 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलती है और वह 80 मीटर दूरी तय की, तो उसको कितना समय लगा। तो सूत्र होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। हमारे द्वारा दूरी कितना है 80 मीटर। दूरी कितना है 80 मीटर। 80 मीटर रख देंगे, उसके बाद हमारा चाल कितना है 20 मीटर पर सेकंड, तो चाल क्या है 20 मीटर। काट देंगे तो 20 चौको 80, समय कितना निकल गया 4 सेकंड। मतलब कि 4 सेकंड में वह 80 किलोमीटर दूरी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तय कर ली। इसी प्रकार अगला निकालना है चाल। दूरी निकल, चाल निकल गया, दूरी समय निकल गया, अब दूरी निकाल लेते हैं। एक गाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से तीस सेकंड में कितना दूरी तय करेगी। दोस्तों एक गाड़ी है जिसका स्पीड 20 मीटर पर सेकंड की चाल से 30 सेकंड तक चलती है, तो वह कितना दूरी कवर कर लेगी, वही निकालना है। तो सूत्र होता है दूरी का, दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल क्या है हमारा 20 मीटर पर सेकंड, समय क्या है 30 सेकंड, 2×3=600 मीटर। जिसमें मीटर पर सेकंड हो वो हमारा चाल होता है। समय चाल हमारा क्या होता है मीटर पर सेकंड में, और समय हमारा होता है सेकंड में, और हमारा दूरी जो होता है वो होता है मीटर में, मीटर में मापते हैं। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करो। धन्यवाद।